नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बन्ना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ हैलोपिनो पॉपर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो मोटा वाला मिर्चा आता है ना, उसकी रेसिपी बहुत ही चटपटा, एकदम अलग स्वाद से भरा ये रेसिपी होता है, ये डिश होता है। खाने में बहुत ही मज़ा आता है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे पहले तो हमें हैलोपिनो चाहिए। यहाँ पे 5 हैलोपिनो मैंने ले लिया है इस तरह से। अब इसको हमें क्या करना है, इसका जो ये पार्ट है हमें इसको रिमूव कर देना है, काट करके निकाल देना है इस तरह से, और बीच से दो भाग कर लेना है। हमने इसको पहले से वॉश करके ले लिया है हैलोपिनो। बीच से इस तरह से काटने के बाद हमें इसका ना सीड रिमूव कर देना है। या तो आप हैलोपिनो खा के देख लेंगे, कोई कोई हैलोपिनो बहुत स्पाइसी आता है, कोई कोई बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो मेरा हैलोपिनो है वो थोड़ा स्पाइसी है, तो मैं सीड को रिमूव कर दूंगी। और अगर मैं आप बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप सीड के साथ बना सकते हैं, लेकिन सीड को निकाल करके हम क्रीम चीज़ अभी जो इसके लिए स्टफिंग रेडी करेंगे, आप उसमें ये डाल के आप स्टफ़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट बनाना ज़रूरी है। अगर मैं सीड नहीं निकालेंगे तो अच्छे से पॉकेट बनेगा नहीं, स्पेस मिलेगा नहीं स्टफिंग करने के लिए, इसलिए हमें सीड को पहले तो रिमूव करना ही है। तो इसी तरह से हम सारा हैलोपिनो अपना कर लेंगे। यहाँ पे हैलोपिनो हमारा रेडी हो गया है, अब इसको हम साइड में कर देंगे। हमें स्टफिंग के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे हमने क्रीम चीज़ ले लिया है, ये होममेड क्रीम चीज़ है। आप इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर मैं आपको चाहिए तो आप बना सकते हो घर पे, बहुत आसान है इसको बनाना। और नहीं बनाना है तो ये बाहर आराम से अवेलेबल होता है, आप परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं कहीं क्रीम चीज़ ना मिले तो इसका मतलब अमूल का भी आता है क्रीम चीज़, आप अमूल का भी ले सकते हैं, इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो ये हो गया क्रीम चीज़। मैंने हाफ़ ये इतना हमें क्रीम चीज़ लेना है जितना कि हमारा हैलोपिनो स्टफिंग प्रॉपर हो जाए। तो हाफ हाफ क्वांटिटी में हम ले रहे हैं क्रीम चीज़ और चीज़ का। तो मैं मोज़रेला चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर मैं चैटर चीज़ हो तो आप चैटर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये डाल देंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा अराउंड 1/4 टीस्पून हम गार्लिक का पाउडर डाल देंगे, लहसुन का पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे। और नमक हम इसमें नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ भी सॉल्टी होता है और क्रीम चीज़ भी सॉल्टी है, और वो भी होममेड है, तो मैं एकदम प्रॉपर नमक है तो हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के सब अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर मैं आपके पास फ्लेवर के लिए और भी कुछ सीजनिंग आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और नहीं कुछ करना चाहते तो सिर्फ आप ब्लैक पेपर ही डाल सकते हो इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। डाल के भी एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर देना है साथ में। स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है, अब हमें क्या करना है, बेकिंग ट्रे हमें लेना है। मैंने यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, लिया है पिज़्ज़ा ट्रे लिया है मैंने, लेकिन ओवन प्रूफ आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मेक श्योर ये करना कि तेल से आप स्प्रे कर देंगे, नहीं तो बटर पेपर लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, हैलोपिनो लेना है, अब हमें इस स्टफिंग करनी है। इसी तरह से हमें सारे हैलोपिनो को क्रीम चीज़ से भर देना है। ऐसे भरने के बाद प्रॉपर स्टफिंग हम करेंगे इसमें। भरने के बाद अब क्या करेंगे, हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है, इसमें हम इसको कोट करेंगे इस तरह से, थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हमें सारे हैलोपिनो अपना रेडी कर लेना है। ये हमारा रेडी हो गया है। अवन को मैंने पहले से ही रख दिया था प्री हीट पे 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसको 20 मिनट तक हमको बेक करना है। अब इसको हम अवन में डाल देते हैं संभाल के। 20 मिनट के लिए हमने रखा है ना, लेकिन बीच में एक बार चेक कर लेना, हमें ऊपर ब्राउन चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, ब्राउन एकदम हो जाए ब्रेड क्रम्स, वैसा हमें चाहिए, वो परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हर एक ओवन की जो हीटिंग, जो टेम्परेचर होता है ना, कम ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से आप मैनेज करना।
ये रहा हमारा हैलोपिनो पॉपर बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें चीज़, ग्रीन चीज़ सब एकदम बढ़िया मेल्ट हो गया है और हमारा ये हैलोपिनो जो है ये भी बढ़िया से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं खाने में कितना टेस्टी ये लगने वाला है। आप लोग एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई करना। ये हैलोपिनो पॉपर जो है थोड़ा तो स्पाइसी रहेगा ही रहेगा, और जो बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं ना, बड़े तो इसको खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन बच्चे स्पाइसी नहीं खाते हैं ना वो भी ज़बरदस्ती करेंगे इसको खाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्रीम चीज़ और चीज़ दोनों का फ्लेवर है एकदम भरपूर, और सारे बच्चे चीज़ पसंद करते हैं, कौन नहीं पसंद करता है। तो इस तरह से आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाकर देखना, खाना, खाकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, हो जो नए हो चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ, थैंक यू, बाय। और मैं इसको दिखा रही हूँ, जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है ना, इसका क्रीम चीज़ सब मेल्ट होके नीचे आ रहा है।